हाय एवरीवन, माय सेल्फ अनुज कुमार और आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूनिट 3 जो स्टोन मेसनरी था उसका लेक्चर नंबर 2 आज होगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा पॉइंट टू बी एब्जॉर्ब इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मेसनरी, यानी किस किस पॉइंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कंसिडर किया जाता है स्टोन के कारीगरी करने में। जब स्टोन को हम ज्वाइंट करते हैं, वॉल बनाते हैं या फिर आर्च बनाते हैं, तो क्या क्या पॉइंट को एब्जॉर्ब करना होता है उसमें, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। फ्लोइंग पॉइंट आर केयरली फुली कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मशीनरी। अब फ्लोइंग पॉइंट को क्या क्या चीज है, पहला पॉइंट आपका कहता है द स्टोन टू बी यूज शुड कंफर्म विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, यानी जो वर्क करने जा रहा है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि क्या क्या प्रोपोजल लगेगा, किस तरह का वो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो उस हिसाब से क्या कंफर्म पहले कर लेंगे, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका यूज क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क क्या है, पहला पॉइंट एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द स्टोन शुड बी वेल वाटरेड बिफोर यूज दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार। क्या बोलता है कि जब स्टोन को हम यूज करते हैं तो वेल वाटरेड होना चाहिए, मतलब कि वाटर में पहले बढ़िया से भिंगो दे। अब देखेंगे यहाँ एक क्वेश्चन होता आता है कि स्टोन जो है 5% से ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, कितना परसेंट, 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए स्टोन मेसनरी में। तो कह रहा कि बिफोर यूज सो दैट दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार, यूज करने के पहले मोर्टार में कुछ तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बोले कि स्टोन मोर्टार में 5% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, ए गुड स्टोन का क्वालिटी है, जिसमें हम आप लोग को जब मिसलिनियस पढ़ा रहे थे तो उसमें स्टोन पढ़ाए होंगे, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ गुड स्टोन भी पढ़ाए होंगे हम, ठीक है। चलिए तो तीसरा पॉइंट क्या है, द स्टोन वर्क शुड बी कैरिड आउट इन प्रॉपर बॉन्ड विथ सफिशियंट नंबर ऑफ थ्रॉट स्टोन। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज आया थ्रॉट स्टोन, क्या बोल रहा है कि कैरी आउट थ्रॉट स्टोन, बॉन्डिंग जो होना चाहिए थ्रॉट स्टोन, जैसे कि यहाँ स्टोन का कारीगरी हम करेंगे, स्टोन हम बनाएंगे, स्टोन यहाँ हम यूज कर रहे हैं, ये हम स्टोन यहाँ यूज करेंगे, तो ये स्टोन का अलाइनमेंट करते हैं, स्टोन में सुनरी है, देखेंगे ये स्टोन का एक ए है, ये पूरा स्टोन है, तो ये ओवरलैपिंग थ्रॉट, इसको बोलते हैं थ्रॉट, ये जो होता है अल्टरनेट जो ओवरलैपिंग हम कराते हैं उसको बोलते हैं थ्रॉट स्टोन, उसको क्या बोलते हैं थ्रॉट स्टोन हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग जो उसको बोलते हैं, और ये ओवरलैपिंग दूसरा केस, इस तरह से जो स्टोन का हम कारीगरी करते हैं, ये स्टोन, फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर एक स्टोन का ये बॉन्डेड, जो इस तरह का बॉन्डेड बनता है इसको बोलते हैं थ्रॉट स्टोन, इसको बोलते हैं थ्रॉट स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोन वर्क शुड कैरी आउट प्रॉपर बॉन्ड, तो प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि ओवरलैप होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, प्रॉपर बॉन्ड विथ सफिशियंट नंबर ऑफ थ्रॉट, यही बोला सफिशियंट नंबर ऑफ थ्रॉट स्टोन चाहिए, ठीक है। चलिए अगला चौथा पॉइंट क्या है, ऑल स्टोन शुड बी लीड ऑन द नेचुरल बेड, और ऑल स्टोन जिस तरह से वो लीड करना, नेचुरल बेड में लीड होना चाहिए ऑल स्टोन को, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, द मोर्टार टू बी यूज फॉर द वर्क शुड बी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोपोर्शनल एंड स्पेसिफाइड, मतलब कि जो मोर्टार होना चाहिए, जो स्टोन मशीनरी में मोर्टार यूज कर रहे हैं
उसका क्वालिटी और प्रोपोर्शनल सफिशियंट होना चाहिए, मतलब कि गुड प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी उसका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, छठा पॉइंट, इन द स्टोन वर्क द चीप स्मॉल पीस और ब्रोकन स्टोन शुड नॉट बी यूज। चीप और स्मॉल पीस जो ब्रोकन स्टोन होता है उसका यूज नहीं होना चाहिए स्टोन में, सुनरी का एब्जॉर्प्शन ए भी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन द स्टोन वर्क शुड बी वेल वाटरेड, मतलब वाटर को अच्छे तरह से भिंगोना चाहिए, फॉर पीरियड ऑफ 2 से 3 वीक, यानी जब कंस्ट्रक्शन होने के पहले भी हम वाटर देते थे, कंस्ट्रक्शन होने के पहले भी वाटरेड करते थे, जब स्टोन का कंस्ट्रक्शन करते थे उस समय भी वाटरेड करते थे, बढ़िया तरीके से उसको वाटेड करते थे, फिर कंस्ट्रक्शन के बाद, आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद उसको वेल वाटेड करते हैं, पानी से भिंगोते हैं, कितना ऑफ द पीरियड ऑफ 2 से 3 वीक, यानी 2 से 3 सप्ताह तक हम पानी से उसको हम वाटरिंग करते हैं या क्योरिंग वाटरिंग करते हैं हम, ठीक है, 2 से 3 वीक। तो यही था पॉइंट टू बी एब्जॉर्ब स्टोन मेसनरी, यानी स्टोन मेसनरी में किस किस पॉइंट को एब्जॉर्ब किया जाता है कारीगरी करते समय, ध्यान से समझिएगा। पहला चीज हम बताया कि स्टोन को रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना चाहिए सफिशियंट वर्क में, स्पेसिफाई वर्क में, किस तरह का वर्क पहले स्पेसिफाई होना चाहिए, स्टोन यूज करने के पहले वेल वाटेड होना चाहिए, उसको वाटर बढ़िया तरीके से उसको वाटर में भिंगो दे, और स्टोन में जो अगर भिंगोते हैं स्टोन को तो उसमें 5% से ज्यादा वो स्टोन बाई वेट मॉइस्चर गेन नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, गुड स्टोन का क्वालिटी है, ठीक है। और उसमें मॉइस्चर मोटार में भी कुछ काम करने के पहले मोटार में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला बात बोले कि स्टोन शुड बी कैरी आउट प्रॉपर बॉन्डिंग, उसका प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, सफिशियंट नंबर ऑफ थ्रॉट स्टोन, इसी को बोलते हैं जो ओवरलैपिंग स्टोन का कराते हैं उसको बोलते हैं थ्रॉट स्टोन, तो थ्रॉट स्टोन यानी प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए और थ्रॉट स्टोन होना चाहिए, ऑल स्टोन लीड इन नेचुरल बेड, मतलब कि जैसे स्टोन का कंस्ट्रक्शन किया उस तरह से नेचुरल बेड में उसको हम लगाएंगे, जोड़ेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। नेचुरल बेड में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर उसमें मोटार का जो यूज हो रहा है वो क्वालिटी और प्रोपोर्शनल उसको स्पेसिफाई होना चाहिए, मतलब कि कितना प्रोपोर्शनल में देना है ये हमको पता होना चाहिए, कोड के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है स्मॉल पीस और ब्रोकन जो टूटा फूटा स्टोन है उसको हम स्टोन मेसनरी वर्क में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है जब कंस्ट्रक्शन हम कर दिए हैं तो 2 से 3 सप्ताह तक उसमें वाटरिंग करना है, वेल वाटर प्रॉपर तरीका से उसमें वाटरिंग करना है, वेल वाटेड करना है 2 से 3 सप्ताह। तो आई होप वांट टू बी एब्जॉर्ब इसको आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में मैं कुछ स्टोन मेसनरी में टूल्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, फिर एक और छूटा हुआ थ्रोट स्टोन उसको भी मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।